हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सेव फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एफसीआई मैनेजर का एग्जामिनेशन जो कि शेड्यूल्ड है 10th ऑफ दिसंबर एंड 17th ऑफ दिसंबर को, जो बहुत पास आ गया है, एंड एक ही काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है एफसीआई मैनेजर में। इसको आप इक्विवेलेंट समझ सकते हैं आईबीपीएस एएफओ के, और ये भी एफसीआई एक गवर्नमेंट का वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू है। डेफिनेटली वो एक काफ़ी अच्छी जॉब है और एक अच्छा लेवल भी है जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ये बात चीज़ आपको ध्यान रहे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन और अपना 100% अपने एग्जामिनेशन में दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंपटीशन लेवल है एफसीआई मैनेजर में। कुछ दिनों पहले हमने कंपटीशन लेवल डिस्कस किया था एफसीआई एजी 3 का, तो आपको यहां देखने से भी पता चलेगा कि एफसीआई एजी 3 से अगर हम कंपेयर करें तो पर सीट के लिए कंपटीशन एफसीआई एजी 3 में कम है, यहाँ पे कई गुना है या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे है। और जनरली हायरार्की होती है, अगर आप देखेंगे एफसीआई में लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आई थी एजीएम की 2021 में, और अभी मैनेजर पोस्ट पे आई है और उसके साथ साथ एजी 3 पोस्ट आई है, तो यहाँ से ये सीक्वेंस ऐसे ऊपर को बढ़ता है। एजीएम पोस्ट काफी अच्छी होती है, तो इसमें तो कंपटीशन और ज्यादा था और वैकेंसीज बहुत कम थी। यहाँ पे भी वैकेंसीज कम है रिलेटिवली, बट इससे ज्यादा एजीएम से ज्यादा है, बट अगेन कंपटीशन ज्यादा है। और यहाँ पे तो क्योंकि मास रिक्रूटमेंट है तो एप्लीकेंट्स भी ज्यादा है और वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो ये जनरली रहता है। और जैसे जैसे आप सभी को पता है हायरार्की बढ़ती है, मैन फोर्स कम होती जाती है। सो हमारा ये एग्जामिनेशन है, इसको हमको बहुत अच्छे से देना है। समझने की बात क्या है कि अगर हम हर जोन वाइज देखें, जैसे नॉर्थ जोन में अगर आप देखेंगे जो कंपटीशन लेवल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया मूवमेंट का, क्योंकि आप देखेंगे मैनेजर जनरल में यू आर में जनरल कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एक वैकेंसी है मैनेजर जनरल की, और वो भी किसमें है, ओबीसी में। और अगर आप देखेंगे इसके अगेंस्ट में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, 5192 स्टूडेंट्स ने, मतलब प्री का कंपटीशन आप देखेंगे इसमें से 15 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फॉर मेन्स एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन रेशियो कितना ज्यादा है, तो वन सीट पे 5192 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है एफसीआई मूवमेंट में 1:2912 का रेशियो है। आप देखेंगे मूवमेंट में टोटल 5 वैकेंसीज हैं और कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है 10,960 में। सिमिलरली मैनेजर टेक्निकल में आप देखेंगे 6,642 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है 9। रिलेटिवली थोड़ा सा कम कंपटीशन है, बट स्टिल ये कंपटीशन काफी ज्यादा है एफसीआई टेक्निकल में। अगर आप देखेंगे बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में 1:738 का रेशियो है, जो सेलेक्शन रेशियो है वो 1:15 है। ये आप सभी को पता होगा कि एक सीट के लिए 15 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा मेन्स एग्जामिनेशन में। देन आते हैं साउथ जोन में। साउथ जोन में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैनेजर जनरल की टोटल 5 वैकेंसीज हैं और टोटल 32,297 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। सिलेक्शन रेशियो देखिए, वन सीट पे 6,459 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली टेक्निकल में आप देखेंगे तो वन सीट पे 1,631 स्टूडेंट्स हैं। कहने का मतलब है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है और अपना एग्जामिनेशन है बहुत अच्छे से देना है। ये तो खैर जो भी था फॉर्म फिल होने थे हो गए, और ये लगभग हर एग्जामिनेशन की ही कहानी है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि अभी आप जितना भी आपके टाइम बचा है अपना 100% दीजिए। एग्जामिनेशन में क्या करना है, हम हमेशा बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की, तो सेफ अटेम्प्ट एग्जामिनेशन से पहले कोई बता नहीं सकता। आपको मैक्सिमम ट्राई करना है, जितना आपको आता है उतना अपने एक्यूरेसी के साथ ट्राई करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे भी नहीं पता कि आपके बगल में स्टूडेंट को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो वहां आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देन वेस्ट जोन में अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली मैनेजर जनरल की 3 पोस्ट है और 14,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। अगेन रेशियो आप देखेंगे तो 1 सीट पे 4,734, सिमिलरली टेक्निकल में 1 सीट पे 657। ईस्ट जोन की बात देखेंगे, इसमें जनरल मैनेजर में केवल 1 सीट है और वो भी एससी में, तो आप देख सकते हैं 6,838 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। डिपो में अगर आप देखते हैं तो 1 सीट पे 3,633 है, क्योंकि जो जनरल डिपो एंड मैनेजर है इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, तो वो एलिजिबल है। टेक्निकल में आप देखेंगे तो 1 सीट पे 442 का रेशियो है। देन नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें एफसीआई जनरल में, तो 1 सीट पे 2,248 है, टेक्निकल में 1 सीट पे 389। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, डिफिकल्ट है कंपटीशन, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर हम बाकी अपने एग्जामिनेशन से कंपेयर करें। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जानी है, आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए जितना हो सके,
अभी आपको क्या करना है, रिवाइज योर ओन नोट्स, प्रैक्टिस कीजिए क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और आपने जीए में जैसे भी किया है वैसे आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स जरूरी होते हैं उसको रिवाइज कीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का। मैंने आपको बताया ना, जब भी हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की तो हमें ये समझना है कि हम ये पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन करेंगे कि एग्जामिनेशन मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो एग्जाम से पहले ये प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता है, आपको मैक्सिमम करना है। आप सभी को पता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का अभी एग्जामिनेशन हुआ, आउट ऑफ 100 और उसमें क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश ही मेन पार्ट था, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ने 80 85 एंड 90 अबव के तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या कंपटीशन रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपको करना है, आप चाहे मैक्सिमम 100 हो या आपसे जितना भी हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बगल वाले में कितना किया है या उसको कितना आ रहा है या बाकी स्टूडेंट्स को कितना आ रहा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का किसी से। आप ये नहीं कह सकते कि आपने भी 80 किए हैं, बगल वाले ने भी 80 किए, दोनों में से दोनों का ही सिलेक्शन होगा या दोनों का ही नहीं होगा। हमें नहीं पता एक्यूरेसी कैसी है और किसने किस टाइप से अटेम्प्ट किया है, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, इसका तो एसबीआई में भी हुआ, आईबीपीएस में भी हुआ, तो इसका तो डेफिनेटली होगा, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का। आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं एग्जामिनेशन में, खासकर अगर आप सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे, बट सक्सेस स्टोरीज में क्या होता है, अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाती है इसलिए वो एक स्टोरी है, बट आप देखेंगे उसके अलावा भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका स्ट्रगल उनके इक्विवेलेंट उनसे ज्यादा उनसे कम हो सकता है, बट उनकी कोई स्टोरी होती नहीं है। तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का, आपको अपना 100% देना है। कोई प्रायर अजम्पशन लेके मत जाइए कि इतने क्वेश्चन करेंगे, पेपर ऐसा होगा वैसा होगा, कोई अजम्पशन नहीं, सीधे एग्जामिनेशन में जाइए, इंटेलिजेंट फील कीजिए और इंटेलिजेंट आपको एक्ट भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आप अपने पे विश्वास करते हैं तो आप कोई भी लड़ाई को जीत सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड रिमेंबर ऑलवेज यू आर द बेस्ट। जो भी आप वहां पे कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, आप बेस्ट कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मान के चलिए डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मेरा मकसद कंपटीशन रेशियो दिखा के आपको डराना या कुछ भी बताना नहीं था, वैसे भी आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ही ली होंगी, ये अनुमान लगा ही लिया होगा, जस्ट ये आपको रिमाइंड कराना है कि कंपटीशन है, कंपटीशन डिफिकल्ट भी है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें कहीं भी आपको हमारी जरूरत है, आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मॉक टेस्ट आई एग्जाम की वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।